नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आगरा के थाने इरादत नगर में बीकापुर गांव से बड़ी खबर आ रही है। आगरा के बीकापुर गांव में आधार कार्ड को लेकर अवैध वसूली, इसकी सूचना जैसे ही पत्रकार को मिली वह न्यूज कवर करने वहां पर गया, परंतु वहां पर दबंगों ने पत्रकार को लाठी डंडों से पीटा। किसी तरह पत्रकार अपनी जान बचाकर भागा। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिलने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन पुलिस मौके पर पहुंची। अब सवाल है कि आखिर किसके संरक्षण से गांव में आधार कार्ड बनाने को लेकर हो रही अवैध वसूली। दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर पत्रकार संगठनों में आक्रोश फूटा और कई पत्रकार थाने पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश से हमारे रिपोर्टर विकास रावत की धन्यवाद। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहे द खबरदार न्यूज। क्या नाम है आपका? नरेश। अच्छा, कौन से चैनल से आप पत्रकारिता करते हैं? मैं डीसी महाराज न्यूज से। अच्छा, आपके साथ क्या घटना हुई, क्या वारदात थी? मैं आज थाना इरावत नगर क्षेत्र के बीकापुर गांव में आधार कार्ड बनाए जा रहे थे, तो वहाँ कई दिन पर सूचना मिल रही थी कि यहाँ आधार कार्ड के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है और लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। जब मैं वहाँ कवरेज करने के लिए पहुँचा तो मैंने कवरेज कर ली और मैं जब वहाँ से चल दिया तो एक व्यक्ति आया गांव का, जिसका नाम पीटू बताया जा रहा है। वो मुझसे आया और कहने लगा कि तू कौन है? मैंने कहा भाई मैं पत्रकार हूँ। कि वीडियो क्यों बनाई? मैंने कहा भाई सूचना मिलने भी लोग परेशान होते, मैंने वीडियो बनाई, मेरा दायित्व होता है खबर कवरेज करना। मैंने खबर कवरेज की तो वो कहने लगा कि गाली गलौज करने लगा, मुझसे मारपीट भी की और कैमरा भी छीन लिया। और जब मैं मौके से भागा तो मेरी गाड़ी वहीं छूट गई। मुझसे इस तरीके से मारपीट की, पत्थर भी फेंके मेरे पीछे, कि मुझे जान बचाना मुश्किल हो गया। मैं गांव से बाहर भागते हुए आया तो गांव का ही एक व्यक्ति मेरी एक्टिवा को मुझे दे गया। तो कहीं ना कहीं आप पर जानलेवा वार किया गया है? जी बिल्कुल, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। कितने लोगों ने मारपीट किया? करीब चार लोग थे और भी कुछ अज्ञात में है जिन्हें पहचान नहीं पाया हूँ, काफी लोग थे। तो किससे मारपीट की? डंडे वगैरह उनके पास? डंडे भी थे और ईंट भी थी। अच्छा, इसकी शिकायत आपने थाने में की? जी हाँ, मैं यहाँ थाना इलाहाबाद नगर में आया हूँ और मैंने शिकायत भी की। शिकायत भी की है? अच्छा, क्या आश्वासन दिया है? अभी देखो जैसे तहरीर दी है, सीओ साहब भी यहाँ मौके पर मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और कोई अपराधी पकड़ा गया है क्या? हाँ, अभी पुलिस गई थी, एक दो व्यक्तियों को लेकर भी आई है। जहाँ आप गए थे क्या वाकई वहाँ पर कोई पोस्ट ऑफिस था या ऐसे ही कहीं? जहाँ आधार कार्ड बन रहे थे वहाँ कुछ नहीं लिखा था कि यहाँ पोस्ट ऑफिस है। वो पूछने पर आया है कि वो किसी का प्राइवेट मकान था जिसमें आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे देख कर जो ऑपरेटर था वो मशीन बंद करके वो मौके पर चला गया। क्या सूचना थी? सूचना ये मिल रही थी कि यहाँ वसूली भी की जा रही है आधार कार्ड बनाने के नाम पर और लोगों का भी परेशान किया जा रहा है। अच्छा, आपके साथ जो मारपीट हुई, कोई छीना झपटी कुछ ऐसा कोई मामला हुआ? हाँ, मारपीट करते समय मेरा कैमरा वहीं, सोनी का कैमरा था मेरे पास, वो कैमरा वहीं छीन लिया गया मेरे से। का नाम क्यों आ रहा है और लोग भी तो है, आपका नाम क्यों आता है? बोलो भाई, इस बारे में तो कुछ कहोगे आप ही मुझे बोल रहे हो कि नाम आ रहा है ना आप शमशाबाद बारे में आपका वीडियो वायरल हुआ था आपका कि नहीं हुआ था? कैसे लेते का हुआ था आपका? खबर भी चली थी वो वीडियो जवाल होते, उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था ना, मैं वहाँ पर था। आप बाद में मेरे से पहले ऐसे आपके हाथ में दिए गए थे 150 रुपये, हमने खबर चलाई थी पत्रकारों ने। बोलो ये बात तो भैया घुमा रहा है। अभी सीओ साहब के सामने बोल रहा था कि पत्रकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था, वहाँ तक एक्टिवा पत्र अभी जो घटना हुई एक पत्रकार के साथ बात क्या जा रखा है? पत्रकार के साथ आकस्मिक बहुत घटना से घटना हुई थी। वह धर्मवीर और धर्मवीर का पप्पू लड़की ने गोपाल और टीटू अजय पाल और प्रकाश उनकी उन्होंने बहुत तेजी से उनके साथ मारपीट की थी। उन्होंने कुछ भी न कहने पर वो अपनी गाड़ी लेकर चल रहे थे तो भी फिर उनको पकड़ा, फिर जबरदस्ती बहुत पीटा
फिर उनकी बाइक छूट चुकी थी, वो भाग चुके थे, गांव के लोगों ने उनकी बाइक उनके पास पहुंचाई। किससे मारपीट की है उन्होंने? ये गोपाल ने की है। नहीं, किससे मारपीट की? डंडे थे क्या? था डंडे भी थे, ईंट भी थी, और काफी बहुत तेज से मारपीट की, ईंटों से ज्यादा की। ईंट लेके उनके पीछे भी भागे हैं, वो भाग गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ आधार कार्ड बन रहे थे वो पोस्ट ऑफिस है क्या है? वो पोस्ट ऑफिस नहीं है, पोस्ट ऑफिस गांव में है, पोस्ट ऑफिस अंदर गांव में है, वो शाखा में उसमें कोई नहीं काम कर रहा है। इन्होंने तो फर्जी खोल रखा है, ये फर्जी कर रहे हैं, फर्जी कर रहे हैं, ये वहाँ पे पोस्ट ऑफिस नहीं है। जैसे संज्ञान कोई कर्मचारी था, संज्ञान में आया है कि पैसे लिए जा रहे थे लोगों से। हाँ, पैसे लिए जा रहे थे, 100 से लेकर 500 रुपये तक लिए जा रहे थे, 500 रुपये भी ले जाए। टीटू जो था वो 500 रुपये लेता था और नंबर जल्दी बनवा देता। कब से काम चल रहा है ये? हो गया कम से कम 8-10 दिन हो गए। गांव वाले विरोध भी कर रहे हैं, पर वो हमारे जो कोई याद नहीं है, 100 नंबर की का दो पीस भी आई है, तो वो थमा लिए, उससे कुछ बात कह रहे थे ना, मारपीट हुई है ना। चलो।